वेलकम यूट्यूब अन अकेडमी लाइव सेवन अन अकेडमी लाइव सेवन बाई एम पी सिंह में आपका बॉटनी क्लास प्लांट फिजियोलॉजी में आपका स्वागत है। टुडे आई विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी दैट इज फोटोसिंथेसिस, जिसको आप हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्जेक्ट से इम्पॉर्टेंट है तथा होल यूनिवर्स में सर्वाइव करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बगैर फोटोसिंथेसिस के नोबडी कैन सर्वाइव, नो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव। ये इतना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। माय फर्स्ट डेफिनेशन, मैन्युफैक्चर ऑफ कार्बोनेशियस फूड मटेरियल और कार्बोहाइड्रेट बाय द ग्रीन ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स जस्ट लाइक लीफ, आर यू कैन से क्लोरोफिलस पार्ट ऑफ द प्लांट विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। अगेन, मैन्युफैक्चर ऑफ कार्बोनेशियस फूड मटेरियल कार्बोहाइड्रेट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड H2O बाय द क्लोरोफिल दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की ये आपका मैंने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लिख दिया है, 6H2O 6CO2 प्लस 12H2O, एरो के ऊपर क्लोरोफिल लिखा है, सनलाइट लिखा है, गिव राइज टू C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। जनरली लोग यहां पर 6H2O करके इधर नहीं निकालते, बट फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। फोटोसिंथेसिस आल्सो बैलेंस द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन रेशियो इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का संतुलन फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है। सेकेंड डेफिनेशन, कन्वर्जन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ H2O CO2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिलस पार्ट ऑफ द टिश्यू, क्लोरोफिलस पार्ट ऑफ द ऑर्गन विच कंटेन्स क्लोरोफिल स्पेशली लीव्स नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो ये तो परिभाषा हो गई सिंपल वे में कि कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी, रेडियल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी दैट इज आल्सो फोटोसिंथेसिस। एंड द बेस्ट डेफिनेशन, मैन्युफैक्चर ऑफ कार्बोनेशियस फूड मटेरियल लाइक कार्बोहाइड्रेट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड H2O बाय द ग्रीन ऑर्गन ऑफ द प्लांट दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन बीइंग बाय प्रोडक्ट, ऑक्सीजन जो है बाय प्रोडक्ट के रूप में ये निकलती है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। आज हम आते हैं डेवलपमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक ब्रीफ हिस्ट्री देंगे आपको कि फोटोसिंथेसिस में जितने इवेंट्स होते हैं उनकी जानकारी
किन किन साइंटिस्ट के द्वारा हुई है, बोर्ड पर मैंने लिख दिया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट, जोसेफ प्रेस्ली इन 1772 कंक्लूडेड दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन फोटोसिंथेसिस, एक्सचेंज ऑफ गैस दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन डे, दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब बाय द लीव्स एंड ऑक्सीजन इज एलिमिनेटेड इवॉल्व एज ए बाय प्रोडक्ट। दैट इज वाई द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बैलेंस दैट इज मेंटेन्ड इन द एटमोस्फियर। सेकेंड, जॉन एंजर हाउस 1779 ही मेड फॉलोइंग कंक्लूजन। फर्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे, आर यू कैन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सेकेंड, ओनली ग्रीन लीव्स लिबरेट ऑक्सीजन। मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिलस पार्ट और क्लोरोफिल जो है मेनली आपको लीफ में मिलेगा। थर्ड, इन डार्क CO2 इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन डार्क आर यू कैन से नाइट फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक्स प्लेस, ओनली रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस एंड इन केस ऑफ रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व, कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित होती है। लिवाइजियर 1785 ही टोल्ड फोटोसिंथेसिस इज ए केमिकल प्रोसेस, ही टोल्ड फोटोसिंथेसिस इज ए केमिकल प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट, जॉन सिनेवियर 1782 ही टोल्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड एंड ऑक्सीजन इज लिबरेटेड, एंड ऑक्सीजन इज लिबरेटेड। लेबिक 1845 CO2 इज द मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच इज सिंथेसाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इनका यह कहना है कि कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य स्रोत है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज होते हैं, इसी कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से कार्बोहाइड्रेट का की सिंथेसिस होती है। निकोलस थियोडर सासे टोल्ड दैट अमाउंट ऑफ CO2 एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड। इनका यह कहना है कि जितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की जाती है उसी रेशियो में उतनी मात्रा में ही ऑक्सीजन का लिबरेशन होता है। नेक्स्ट, सैक्स 1864 टोल्ड दैट ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट इज कार्बोहाइड्रेट। इन्होंने बताया कि जो मैन्युफैक्चर हो रहा है ऑर्गेनिक फूड मटेरियल का दैट इज कार्बोहाइड्रेट। एंड डिटर्जेंट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तमाम वैज्ञानिकों ने एक एक डिस्कवरी किया। नाउ नेक्स्ट, जेसी मैक्सवेल ही डेवलप्ड वेव मॉडल ऑफ लाइट। कौन सी लाइट एब्जॉर्ब होती है, किस लाइट में फोटोसिंथेसिस का रेट जो है सबसे अधिक होता है। एफ एफ ब्लैकमैन प्रपोज लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर में आपका लाइट भी आता है और टेम्परेचर भी आता है, कौन सा ऑप्टिमम टेम्परेचर हो, कौन सा ऑप्टिमम लाइट हो, जब उससे इंक्रीज कर जाता है तो वही जो है लिमिटिंग फैक्टर के रूप में कार्य करता है, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लैकमैन। नाउ नेक्स्ट, विल स्टेटर एंड स्टॉल स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में आपका क्लोरोफिल आता है, कैरोटीन आता है, फाइकोविलिन्स आता है, फाइकोविलिन्स आता है, जैंथोफिल आता है। इसको हम डिटेल में अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का स्ट्रक्चर दिया। रॉबिन हिल डिमॉन्स्ट्रेटेड द फोटोलिसिस ऑफ वाटर।
क्योंकि जब वाटर की हाइड्रोलिसिस होगी, वाटर का ब्रेकडाउन होगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड फोटोलिसिस. देन हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इज ऑब्टेंड एंड इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड. तो हिल ने फोटोलिसिस ऑफ वाटर इस मैकेनिज्म को डिमॉन्स्ट्रेट किया. नाउ नेक्स्ट, यस रूबेन एंड यम कॉमन, इन्होंने हेवी ऑक्सीजन ऑक्सीजन 18 को फोटोसिंथेसिस में उसके प्रोसेस में एंटर कराया, और इंटर करा करके इन्होंने इंटरमीडिएट प्रोडक्ट देखा, और उसी से इन्होंने बताया कि ऑक्सीजन जो है ये वाटर से निकलता है. पीछे तमाम वैज्ञानिकों ने कहा कि ऑक्सीजन दैट इवॉल्व्ड थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, बट दिस साइंटिस्ट दे प्रूव दैट इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड बाय H2O. नेक्स्ट, बोनर एंड बोनर, ही फर्स्ट रिपोर्टेड सिंथेसिस ऑफ मैलिक एसिड इन CAM साइकिल. सिंथेसिस ऑफ मैलिक एसिड इन CAM साइकिल, दैट इज इन केस ऑफ क्रेसुलेसी फैमिली. मेल्विन एंड कार्विन, ही ट्रेस द पाथ ऑफ कार्बन एंड गिवन द C3 साइकिल. C3 साइकिल दैट इज ऑल्सो नोन एज कार्विन साइकिल. जब मैकेनिज्म लेंगे तो उस समय C3 साइकिल, C4 साइकिल, कार्विन साइकिल, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये सब अलग अलग डिस्कस होगा. नाउ आर्नान डिस्कवर्ड मैकेनिज्म ऑफ फॉस्फोरिलेशन इन क्लोरोप्लास्ट. मैकेनिज्म ऑफ फॉस्फोरिलेशन इन क्लोरोप्लास्ट. नाउ नेक्स्ट, हिल एंड मेंडल इन 1960 सजेस्टेड जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन. नाउ नेक्स्ट, पीटर मिचेल इन 1961, इन्होंने 1961 में प्रपोज्ड कोमियोस्टोटिक हाइपोथेसिस ऑफ ATP सिंथेसिस इन लाइट रिएक्शन. इन्होंने प्रपोज किया कि लाइट रिएक्शन में ATP सिंथेसिस होती है. नाउ नेक्स्ट, हैच एंड स्लैक 1966, मैंने आपको पहले बताया C4 और C3 पाथवे. ही रिपोर्टेड C4 पाथवे फॉर CO2 फिक्सेशन इन सर्टेन ट्रॉपिकल ग्रासेस. ट्रॉपिकल ग्रासेस में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन C4 पाथवे में इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया, रिपोर्ट किया. नाउ नेक्स्ट, गुलरेज 1974, ही ऑब्जर्व सिंथेसिस ऑफ ऑक्सैलोएस्टिक एसिड एज 4 कार्बन कंपाउंड इन C4 प्लांट बाय कार्बोक्सिलेशन ऑफ फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड. इन्होंने 4 कार्बन कंपाउंड की सिंथेसिस C4 प्लांट में, जो कार्बोक्सिलेशन फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड के फॉस्फोरिलेशन से बनती है, उसे इन्होंने ऑब्जर्व किया. कि इन्होंने बताया कि जब आपको साइकिल पढ़ाई जाएगी तो हमेशा ऑक्सैलोएस्टिक एसिड बनेगा, और उस तरह से एक साइकिल चलेगी जो कि वैज्ञानिक क्रैब ने उस साइकिल को प्रपोज किया था. नाउ नेक्स्ट, बर्नेट एंड हैच, ही रिपोर्टेड ADP डिपेंडेंट फोटोफॉस्फोरिलेशन ऑफ एंजाइम व्हेन फोटॉन फ्लक्स डेंसिटी ड्रॉप्स. जब फोटॉन फ्लक्स की डेंसिटी ड्रॉप कर जाती है तो इन्होंने रिपोर्ट किया कि उस समय फोटोफॉस्फोरिलेशन ये ADP पर डिपेंड कर जाती है और एंजाइम पर. नाउ लास्ट पॉइंट ये है कि एक वर्ष में कितने फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, एक आंकड़ा दिया गया है. इट इज एस्टिमेटेड दैट 1.55 × 10⁻¹⁰ टन्स ऑफ ड्राई मैटर इज प्रोड्यूस्ड एनुअली बाई फोटोसिंथेसिस. इस प्रकार से इतने फोटोसिंथेसिस के बाद प्रोसेस से इतने मैटर, इतने कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि ये सारा का सारा प्रोडक्शन
प्लांट्स करते हैं, और ये प्लांट्स जब इकोसिस्टम में आप जाएंगे तो ये प्रोड्यूसर कहलाते हैं। दैट इज द फर्स्ट स्टेप ट्रॉफिक लेवल। ये ट्रॉफिक लेवल का पहला स्टेप है या ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोड्यूसर। इस प्रकार से आज फोटोसिंथेसिस के पार्ट वन में मैंने आपको डेफिनेशन फोटोसिंथेसिस के बारे में और उसकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बताया। फिर से एक बार, फोटोसिंथेसिस ये ग्रीन प्लांट्स करते हैं, ट्रीज करते हैं, हर्ब्स श्रब और एल्गी करते हैं, क्योंकि बगैर फोटोसिंथेसिस के पूरा यूनिवर्स जो है ये सर्वाइव नहीं कर सकता। तो फोटोसिंथेसिस में आपने डिफाइन किया कि मैन्युफैक्चर ऑफ कार्बोनेशियस फूड मटेरियल लाइक कार्बोहाइड्रेट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O बाय द ग्रीन ऑर्गन ऑफ द प्लांट दैट इज क्लोरोफिलस टिश्यूज दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। मेन स्ट्रक्चर प्लांट सेल का होता है क्लोरोप्लास्ट, इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है एंड क्लोरोफिल दैट इज द मेन पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगले लेक्चर में हम आप बताएंगे कि क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, क्लोरोफिल ए दैट इज द यूनिवर्सल पिगमेंट, ये सभी जितने भी प्लांट्स होते हैं चाहे वो हाइड्रोफिटिक हो, चाहे वो जीरोफिटिक हो और चाहे वो मेसोफिटिक हो, ये सब में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल पिगमेंट। हमने आपको आज ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में नोट्स दे दिए, आप इस ब्रीफ हिस्ट्री को छोड़ेंगे नहीं। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये जो डिस्कवरीज होती हैं ये छोड़ दी जाती हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, और जब और आप जानते हैं कि जितने वन मार्क्स के हाफ मार्क्स के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं उनमें ये विशेष रूप से आते हैं। बहुत पहले मैंने बताया कि हमेशा हम क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान देते हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि आप बहुत डिटेल में, तो आप ये जान लीजिए कि आज इन 49-50 वर्षों में मैंने क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान दिया और कभी मैं शॉर्टकट नहीं चला। यही कारण है कि मेरे संपर्क में आने वाले स्टूडेंट्स बहुत से, जब CPMT थी उस समय और नीट में, नीट के समय भी ये क्वालिफाई कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इतने ही डिटेल में जितना मैं आपको बता रहा हूं आप पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ मैं आज का फोटोसिंथेसिस पार्ट फर्स्ट, जिसमें कि फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया मैंने आपको और उसकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बताया, आप इसे नोट करेंगे। इसी के साथ साथ बहुत बहुत शुभकामना। फोटोसिंथेसिस एक लंबा चैप्टर है जो कि कई पार्ट में होगा। धन्यवाद।